Assalamu alaikum class 4. How are you all? Everybody is fine? Very good. क्या कर रहे सारे? Homework कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं. Very good. काम कर लिया करे ठीक है टाइम पे ताकि आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो. ओके क्लास 4, लेट्स स्टार्ट और सोशल स्टडी क्लास. ओके सोशल स्टडी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी हमने पढ़ा था अबाउट अर्थ, अबाउट की टर्म्स ऑफ ग्लोब एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ. उसके बारे में हमने पढ़ा था, रीडिंग की थी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी. आज उसका रिटर्न वर्क है. रिटर्न वर्क हम करेंगे नोटबुक में. मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, आप लोगों ने मेरा तरीका फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों ने टॉपिक इंडेक्स में अपना टॉपिक लिखना है, जियोग्राफी. ओके जियोग्राफी हमारा टॉपिक है तो आपने जियोग्राफी टॉपिक देना है और यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है? फिर फर्स्ट पेज पर आपने लिखना है यूनिट नंबर 1, टॉपिक है जियोग्राफी, और ऐसे ही अर्थ की पिक्चर आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोग आएंगे, ऊपर आप लोगों ने डेट एंड डे लिखना है लाइन के ऊपर. ट्यूसडे है, 31 मार्च है 2020, बट आप लोग जिस डेट पे काम करेंगे तो आप लोगों ने अपना वाला डेट मेंशन करना है, ठीक है? फिर क्वेश्चन आंसर वाला मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग में जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है? सो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ, व्हाट दिस शेप इज कॉल्ड. अच्छा, हमने सबक में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो ह्यूज बॉल की तरह है और उस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं. तो आंसर में मैंने लिखा है द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, वी कॉल दिस शेप अ स्फेयर, ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अच्छा, रोटेशन क्या है एंड रेवोल्यूशन क्या है? रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों अर्थ की मूवमेंट है. रोटेशन है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ जब अपनी जगह पे मूवमेंट करता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और जब अर्थ सन के गिर्द रोटेशन करता है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. ओके देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सीजन कास्ट. सीजन्स कैसे बनते हैं, ये जो समर विंटर ऑटम स्प्रिंग है ये कैसे बनते हैं? सो हमने पढ़ा था कि सीजन आर कास्ट बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर. कहाँ है कि अर्थ के सर्फेस पे कौन सी वो एरिया है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है मौसम गर्म रहता है? तो वो है प्लेस नियर द इक्वेटर. इक्वेटर मैंने आपको कहा था वो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है? अब उस इक्वेटर के आसपास जितने भी प्लेसेस है वो पूरा साल गर्म रहते हैं, मतलब साल के 12 महीने उसमें गर्मी होती है, वो हॉट प्लेसेस हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाट ग्लोब एंड अ मैप एंड द डिफरेंस बिटवीन देम. अब ग्लोब क्या है एंड मैप क्या है? तो मैंने आपको कहा था कि ग्लोब जो है वो बॉल की तरह है, उस पर हम पूरी वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, और मैप जो है वो पेज होता है, एक पिक्चर होती है जिसमें कुछ रीजन हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है? सो पहले हमने ग्लोब का कहा है, ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का स्फेरिकल मॉडल है, लाइक अ बॉल की तरह है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट होल वर्ल्ड. ग्लोब हमें क्या करता है, पूरी वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? फिर है अर्थ, सॉरी मैप. सो मैप इज़ एन इमेज ऑफ एरिया. इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन रीजन. और मैप में हमें क्या मिलता है कि कुछ एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? कंप्लीट वर्ल्ड के बारे में नहीं मिलती. सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आंसर. ज्योग्राफी टॉपिक के 5 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है, और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको याद भी करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू क्लास 4.